इन प्रीवियस लेक्चर वी आर स्टडी अबाउट द फाइव किंगडम टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच वी आर स्टडी अबाउट द किंगडम फंजाई. इन दिस लेक्चर वी आर डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई. द किंगडम फंजाई इंक्लूडेड फाइव डिवीजन मैस्टिगोमाइकोटिना जाइगोमाइकोटिना ड्यूटेरोमाइकोटिना इस्कोमाइकोटिना एंड बेसिडियोमाइकोटिना. द फर्स्ट डिवीजन इज मैस्टिगोमाइकोटिना क्लास ऊ माइसिटीज. ये पहला ऑर्डर सॉरी पहला डिवीजन है फंजाई का मैस्टिगोमाइकोटिना. इसके जो बेसिक कैरेक्टर हैं वो द फर्स्ट वन इज इसका थैलस जो है वो इज माइसीलियम टाइप में है एंड हाइफी आर कोइनोसिटिक इन नेचर. कोइनोसिटिक इन नेचर मीन्स एसेप्टेड एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड. मोस्टली जो फंजाई होती है उसकी हाइफी दो टाइप की होती है, एक जो कि सेप्टेड होती है मतलब जिसमें सेप्टा हो बीच में और दूसरी एसेप्टेड होती है. यहाँ पे एसेप्टेड है सेप्टा पियर इन ओल्ड हाइफी और ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन. वहाँ पे मोस्टली सेप्टा का अपीयरेंस होता है. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली जो फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स के थ्रू होता है जिसको स्पोरेंजिया बोलते हैं. जू स्पोर में भी यूनिफ्लैजलेटेड और बाईफ्लैजलेटेड. फ्लैजलेटा मोस्टली हेल्प इन टू मूवमेंट. जो बाईफ्लैजलेटेड जू स्पोर होते हैं वो यूजुअली हैव अ हेट्रोकॉन टाइप ऑफ फ्लैजलेशन. हाँ हेट्रोकॉन टाइप मीन्स कि एक फ्लैजला जो होगा वो एक साइड और दूसरा जो होगा वो दूसरे पोल पे होगा ऐसे. एंड टिंसल से फ्लैजला हैव इन फाइन हेयरी आउटग्रोथ कॉल्ड मैस्टिगो. मैस्टिगो नेम्स हेयर लाइक आउटग्रोथ होते हैं फ्लैजला के ऊपर जिसको मैस्टिगो नेम्स बोलते हैं. ये मोस्टली मोटाइल इन मूवमेंट में हेल्प करते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगैमस और ओगैमस मीन्स द गैमिट्स आर फ्रॉम द सेम फंजाई और डिफरेंट सेक्स. इन द केस ऑफ ओगैमस द मेल सेक्स ऑर्गन आर इंट्रीडिया एंड द फीमेल सेक्स ऑर्गन आर ओगोनिया. अगर आइसोगैमस टाइप है तो फिर वहाँ पे सेक्स का डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है, लेकिन अगर वो ओगैमस टाइप है तो उसमें सेक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाता है जहाँ पे जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसे इंट्रीडिया बोलते हैं जबकि जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसे ओगोनिया बोलते हैं. सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है उसमें गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट होता है. गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट मीन्स कि गैमीट का अटैचमेंट होता है. देन प्लाज्मोगैमी एंड देन कैरियोगैमी एंड देन मियोसिस जो कि आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि अगर फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई फर्स्ट स्टेप इज प्लाज्मोगैमी इन विच द प्रोटोप्लाज्म आर फ्यूज देन द कैरियोगैमी जिसमें न्यूक्लियस फ्यूज होता है फिर मियोसिस होता है. द एग्जाम्पल ऑफ दिस डिवीजन इज एल्बिगो एंड पाइथियम. एल्बिगो मोस्टली सिस्टोफस के नाम से भी जाना जाता है. सिस्टोफस एंड विच काज द वाइट ट्रस्ट ऑफ क्रूसीफर. ये सरसों के जो पेड़ होते हैं उनमें देखेंगे अगर एक बीमारी लग जाती है वाइट कलर का रस्टी अपीयरेंस होता है वो एक फंगल ग्रो होता है एल्बिगो के थ्रू. वो काज होता है और काफ़ी हार्मफुल करता है. द नेक्स्ट डिवीजन ही जाइगोमाइकोटिना क्लास जाइगोमाइसिटीज. इसको कॉन्जुगेशन फंजाई भी बोलते हैं. द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ जाइगोमाइकोटिना आर एज थैलस इज माइसीलियल इन नेचर जो कि फंजाई का प्राइमरी सिम्टम है कि उसका थैलस जो होगा वो माइसीलियम इन नेचर होगा. द हाइफी आर कोइनोसिटिक इन नेचर. यहाँ पे भी हाइफी जो है वो कोइनोसिटिक है मीन्स एसेप्टेड एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड.
सेप्टा अपीयर इन सेक्सुअल फॉर्म, मीन्स सेप्टा जो है वो फॉर सेक्स ऑर्गन का जब फॉर्मेशन होता है उसी समय डेवलप होगा, और जो ओल्ड हाइफी होते हैं वहाँ पे भी डेवलप करता है। इस ग्रुप के, इस क्लास के जितने भी फंजाई उसमें काइटिन या फंगल सेलुलोज का सेल वॉल फॉर्म होता है, जो कि बेसिकली कुछ ग्रुप ऑफ फंजाई में नहीं पाया जाता है। ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मोस्टली फॉर्म बाय द स्पोरेंजियोस्पोर। स्पोरेंजियोस्पोर फॉर्म होता है एक स्पोरेंजिया के अंदर, क्लीवेज होता है, देन स्पोरेंजियोफोर का फॉर्मेशन होता है। स्पोरेंजिया आर बॉर्न एट द टिप ऑफ स्पेशल हाइपी कॉल्ड स्पोरेंजियोफोर्स। उसके जो स्पोरेंजिया है उस वो एक स्पेशल हाइपी होती है जिसको सेक्स रिप्रोडक्टिव हाइपी बोलते हैं, उसके बॉडी पे फॉर्मेशन होता है। क्योंकि ये ई सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है तो किसी भी तरीके के गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता, किसी भी तरीके के हैप्लॉयड न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय द कॉपुलेशन बिटवीन टू आइडेंटिकल गैमेटेंजिया, टू आइडेंटिकल गैमेटेंजिया। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो इट में बी आइसोगैमस या ओगैमस इंथ्रीडिया एंड ओगोनिया मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये उस पर डिपेंड करता है कि रिप्रोडक्शन आर आइसोगैमस और ओगैमस। द मोड ऑफ सेक्सुअल फ्यूजन इज गैमेटेंजियल कॉपुलेशन टाइप कॉन्जुगेशन। कॉपुलेशन मीन्स गैमीट जो होते हैं वो एक दूसरे से फ्यूज करती हैं बाई द स्पेशल रिप्रोडक्टिव पाथ। द गैमीट आर नॉन मोटाइल इन नेचर, मल्टी न्यूक्लियेटेड इन नेचर। पिलोबुलस एंड राइबोस, सॉरी राइजोपस इज द एग्जाम्पल ऑफ जाइगोमाइकोटिना। अगर सबसे अच्छा राइजोपस जो इसका एक एग्जाम्पल है वो आप देख सकते हैं, इसको अपने यहाँ के लोकल लैंग्वेज में फफूद बोलते हैं, जो कि आपको ब्रेड पे, पिकल पे, अगर मॉइस कोई सरफेस है तो वहाँ पे ये ग्रो कर जाता है। एंड द पिलोबुलस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंजाई विच आर ग्रो ऑन द कैटरल डंक, सो द सैप्रोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। द नेक्स्ट डिविजन इज एस्कोमाइकोटिना क्लास, एस्कोमाइसिटीज। एक चीज़ की जो माइसिटीज टर्म है, माइसिटी सो द फंगस, माइकोलॉजी जो माइको वर्ड है वो पूरा फंजाई से रिलेट करता है। माइकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ फंगस। एस्कोमाइसिटीज इज अ ग्रीक वर्ड फॉर्म बाय द एस्कस मीन्स सैक एंड द माइसिटीज मीन्स फंगस। इट इंक्लूड नियरली 13,000 स्पीसीज इंक्लूडिंग डाइवर्स टाइप ऑफ नेचर सच एज ब्राउन फंजाई, ग्रीन, ब्लू, पिंक मोल्ड, पाउडरी मिल्ड्यू जो कि आपको बहुत सारे डिजीज जो होते हैं उसमें मिल जाते हैं, कफ फंजाई है। ईस्ट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ एस्कोमाइकोटिना जो कि बेकरी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ईस्ट। मोस्ट ऑफ देम आर टेरेस्ट्रियल इन नेचर एंड अकर एज अ सेप्रोट्रॉप्स और पैरासाइट इन नेचर। बहुत सारे ऐसे बीमारियां हैं जो कि ये फॉर्म करते हैं प्लांट पे, एनिमल पे भी कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कि काज करते हैं ये। द ईस्ट इज ओनली द एस्कोमाइसिटीज जो कि सैक फंजाई है और यूनिसेलुलर है। हमने पहले ही बोला था कि जो माइसीलियम है ये एक कॉमन एग्जांपल है, माइसीलियम एक कॉमन एग्जांपल है फंजाई का, एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन ईस्ट है जो वो इसके एकदम एक्सेप्ट में है, एक्सेप्शन है ये, जो कि शो करता है यूनिसेलुलर एंड सैक लाइक फंजाई। ऑल द एस्कोमाइसिटीज एक्सेप्ट ईस्ट
आर माइसिलिकेट जिसमें माइसिलिया वेल डेवलप्ड एंड ब्रांच में मिलता है, एंड द हाइफी आर सेप्टेड एंड मल्टी न्यूक्लियर इन नेचर. द माइसिलिया आर वेल डेवलप्ड ब्रांच. अगर पीछे वाले दो डिवीजन में देखें तो वहाँ पे सेप्टा नहीं पाया जाता था. सेप्टा अपीयर ओनली इन द फॉर्मेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन आर द ओल्ड हाइपी, बट यहाँ पे सेप्टा प्रेजेंट होता है. द फंजाई ऑफ एस्कोमाइसिटीज ग्रुप इज जनरली रिप्रोड्यूस बाय द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ईस्ट में जनरली रिप्रोडक्शन होता है वो बडिंग और फिजन के थ्रू होता है, जो कि एक वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है. नहीं तो उसके अलावा जितने भी एस्कोमाइसिटीज हैं उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है मोड वो एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है. कोनिडिया और कोनिडियोफोर का फॉर्मेशन होता है. कोनिडिया इज द प्लूरल ऑफ कोनिडियम विच आर द सिंगुलर टर्म. दे आर नॉन मोटाइल माइटोस्पोर प्रोड्यूस बाय द एग्जोजिनसली फ्रॉम द टिप. ये मोस्टली चेन के रूप में फॉर्म होते हैं, एक के ऊपर एक अटैच होते हैं और एक जो हाइफी होती है उसके टिप पे चेन जैसा फॉर्मेशन कर देते हैं. दे मे हैव डिस्टिंग कलर लाइक ब्राउन ग्रीन ब्लू और पिंक विच गिव द फंजाई देयर कैरेक्टरिस्टिक्स अपीयर. जो ब्रेड है या फिर कुछ जो फ्रूट्स हैं या जो ओल्ड लेदर गुड्स हैं उस पर आप देखेंगे एस्कोमाइसिटीज के कुछ मेंबर जो हैं फंजाई के वो उस पर ग्रो करते हैं, वो उसको ब्लूइश अपीयरेंस दे देते हैं. या फिर जो ब्रेड पे मोस्टली ग्रीन या ब्लू कलर का जो फंजाई ग्रो होता है, पेनिसिलियम है, एस्पर्जिलस है. सेक्सुअल फ्यूजन अकर बाय द गैमेटिक कॉपुलेशन मीन्स एक पाथ का फॉर्मेशन होगा लाइक ईस्ट. गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट आल्सो फाउंडिंग एस्कोमाइसिटीज एग्जाम्पल फाइरोनेमा. स्पर्मेटाइजेशन एंड सोमैटोगैमीज आल्सो प्रेजेंट इन सम एस्कोमाइसिटीज लाइक पेजाइजा. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन थ्री स्टेज, प्लाज्मोगैमी कैरियोगैमी एंड मियोसिस. वी आर डिस्कस दिस थ्री टॉपिक्स इन प्रीवियस लेक्चर. द एग्जाम्पल ऑफ एस्कोमाइसिटीज इज ईस्ट, एस्पर्जिलस, पेनिसिलियम, न्यूरोस्पोरा. ईस्ट सो ग्रेट इकोनॉमिकल वैल्यू. ये मोस्टली ब्रेड इंडस्ट्री में यूज होता है, बेकरी इंडस्ट्री में यूज होता है ये, और पिज्जा इन सब चीज़ों में इसका यूज होता है फूड के सोर्स के रूप में भी. एस्पर्जिलस को ब्लैक स्मोकी माउल बोलते हैं. ये मोस्टली डेड एंड डिके ऑर्गेनिक मटेरियल पे ग्रो करता है जैसे डंक वुड ब्रेड या फिर कोई सूट लेदर गुड्स हैं या जैम है. पेनिसिलियम ये मोस्टली यूज़ किया जाता है एंटीबायोटिक के फॉर्मेशन में, एंड इसका एक अच्छा इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंस भी है. न्यूरोस्पोरा आल्सो पिंक ब्रेड माउल्ड. ये ब्रेड पे कभी कभी पिंकिस अपीयरेंस जो आता है ये इसकी वजह से होता है. द नेक्स्ट डिवीजन इज बैसिडियो माइकोटीना और बैसिडियो माइसिटीज. बैसिडियो माइसिटीज इज अ मोस्ट एडवांस एंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ हायर फंजाई विथ अबाउट 1100 जेनरा एंड 25,000 स्पीसीज. मोस्टली इसको हम रस्ट बोलते हैं या फिर स्मर्ट या मशरूम, पफ बॉल, टोड स्टूल, ये सारे नेम देते हैं ड्यू टू देयर डिफरेंट स्ट्रक्चर. दे आर मोस्ट कॉमनली सीन फंजाई एज अ फ्रूटिंग बॉडी, आर ऑफन लार्ज एंड कॉन्स्पिकुअस. ये एक काफ़ी बड़े साइज में भी पाए जा सकते हैं अगर देखा जाए बाकी फंजाई के एक्सेप्शन में. तो एक फंजाई है जिसको ब्रैकेट फंजाई बोलते हैं. इट इज़ अबाउट 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर.
दिस ग्रुप इंक्लूडेड डाइवर्स टाइप ऑफ फंगल मेम्ब्रेन मेम्बर्स। कुछ इसमें पैरासाइट फॉर्म होते हैं जो कि डिस्ट्रक्टिव डिजीज को काज करते हैं, मोस्टली जो सीरियल्स क्रॉप्स हैं या और उसको डैमेज करते हैं। कुछ फ्रूटिंग बॉडी भी उसमें है जो ईडिबल इन नेचर होते हैं, जैसे मशरूम जो कि एक फूड सोर्स के रूप में यूज़ किया जाता है। सम मेम्बर्स ऑफ बैसिडियोमाइसिटीज आर कंसिडर्ड द बेस्ट डिकम्पोजर ऑफ वुड मटेरियल। दे डिकम्पोज बॉथ सेलुलोज एंड लिग्निन। मोस्टली लिग्निन जो होता है वो फंजाई और बैक्टीरिया के थ्रू डिकम्पोज नहीं हो पाता, लेकिन बैसिडियोमाइसिटीज के कुछ मेम्बर उसको भी डिकम्पोज कर सकते हैं। दे फंजाई सिक्रीट सम एग्जोजिनस एंजाइम जो कि ईजली डाइजेस्ट कर पाते हैं उसको। मेनी स्पीसीज लाइक पॉलीपोरस गैनोडर्मा ये वुड द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बैसिडियोमाइसिट द माइसीलियम ऑफ बैसिडियोमाइसिटीज इज कंपोज ऑफ फिलामेंटस ब्रांच डेंस सेप्टेड हाइफी। ईच सेप्टम इज परफोरेटेड सेंट्रली बाई बैरल सेप पोर। हर सेप्टा के बीच में एक पोर फॉर्मेशन होता है जो बैरल सेप होता है, जिसको डॉलीफोर भी कहते हैं। द माइसीलिया आर ऑफ थ्री टाइप, प्राइमरी माइसीलियम, सेकेंडरी माइसीलियम एंड टर्शियरी माइसीलियम। द स्पेशलाइज सेक्स ऑर्गन सच एज एंथ्रीडिया एंड ओगोनिया आर नॉट फाउंड इन द मेम्बर ऑफ बैसिडियोमाइसिटीज। सेक्सुअल फिजन इज बाई द सोमैटोगैमी और स्पर्मेटाइजेशन। स्पर्मेटाइजेशन मीन्स फ्यूजन बिटवीन अ स्पोर और स्पर्मेटियम एंड रिस्पेक्टिव हाइफी। सेक्सुअल प्रोडक्शन इन्वॉल्व प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस। द एग्जाम्पल इज एगारिकस एंड पक्सिनिया। एगारिकस कॉमनली एडिबल मशरूम को हम बोलते हैं, और इट इज आल्सो नोन एज फील्ड मशरूम जो कि एक सेप्रोफाइट है, डेड एंड डिके मटेरियल पे ग्रो करता है। नेक्स्ट द पक्सिनिया। पक्सिनिया इज अ पैरासाइट जो कि रस्ट डिजीज काज करता है, ब्राउन रस्ट ऑफ वीट, वाइट रस्ट ऑफ एलो रस्ट ऑफ वीट, गेहूं के फली जो होती है गेहूं की, जो उस पर अटैक करता है ये। द नेक्स्ट डिवीजन इज ड्यूटेरोमाइकोटीना। ड्यूट्रोमाइकोटीना को द फंजाई इम्परफेक्टी भी कहते हैं। ड्यूट्रोमाइसिटीज इज फ्रॉम क्लास ऑफ फंजाई विच हैव बीन आर्टिफिशियली क्रिएटेड। इंक्लूड ऑल दोज फंजाई विच द परफेक्ट स्टेज और सेक्सुअल स्टेज। इसमें हम उन सभी फंजाई को इंक्लूड करते हैं जिसका परफेक्ट स्टेज जो है, मीन्स जिसमें जिसका सेक्सुअल स्टेज अभी तक नहीं पता चला है। और इसमें नियरली 1618 जिनरा एंड 17,000 स्पीसीज को इंक्लूड किया गया है। द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज इज दे आर सेप्रोट्रॉप इन सॉइल एंड ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। सो द सेप्रोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, मोस्ट ऑफ देम बिकम पैरासाइट एंड कॉज सीरियस डिजीज इन प्लांट एनिमल एंड ह्यूमन बींग। माइसीलिया इज वेल डेवलप्ड ब्रांच सेप्टेड हाइपी, मल्टी न्यूक्लियेटेड सेप्टेड हाइपी। जो इसके सेल्स होते हैं वो मल्टी न्यूक्लियेटेड है। सेप्टा में फिर वही डॉलीफोर का फॉर्मेशन होता है जो कि इसके पिछले बैसिडियोमाइसिटीज में भी पाया जा रहा था। रिप्रोडक्शन अकर ऑनली बाय द एसेक्सुअल मेथड, क्योंकि पहले इसमें मेंशन किया गया है कि इसमें उन्हीं फंजाई को रखा गया जिसका सेक्सुअल स्टेज नहीं पता है। तो जो फर्स्ट मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कुनीडिया का है। कुनीडिया आर आइदर डायरेक्टली प्रोड्यूस और कुनीडियोफोर जो कि हाइपी के टिप पे फॉर्म होता है, और रिप्रोडक्टिव बॉडी के रूप में भी इसका फॉर्मेशन एक अलग हाइपी हो जिसको रिप्रोडक्टिव हाइपी कहते हैं, उस पर
स्पोरोडोकिया या फिर पिकनीडिया के रूप में, ओइडिया के फॉर्म में भी ये फॉर्म करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइदर अब्सेंट और नॉट रिपोर्टेड, जो कि मेंशन है। सब कॉमन एग्जांपल ऑफ ड्यूट्रोमाइसिटीज, अल्टरनेरिया, फ्यूसेरियम, ट्राइकोडर्मा, ये सब जो ट्राइकोडर्मा है वो मोस्टली डिजीज काज करता है ह्यूमन बीइंग पे। द नेक्स्ट किंगडम ऑफ द फाइव किंगडम टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज किंगडम प्लांटी और मेटाफाइटा। अभी तक हम जितना भी पढ़ रहे थे वो प्रिमिटिव इन नेचर थे, वेल डेवलप ऑर्गन सिस्टम नहीं थे, लेकिन अब यहाँ से वेल डेवलप ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। द फर्स्ट किंगडम इज़ अ प्लांटी और मेटाफाइटा, द मल्टी सेलुलर प्रोड्यूसर यूकैरियोट। मल्टी सेलुलर प्रोड्यूसर यूकैरियोट का मतलब है कि एक ऐसा यूकैरियोट जो कि हमारे इकोसिस्टम में एक्ट करता है एज अ प्रोड्यूसर, जो कि एनर्जी प्रोड्यूसर का फॉर्म करता है। द किंगडम प्लांटी इंक्लूड मोस्टली ग्रीन, ब्राउन एंड रेड एल्गा, लिवरवर्ट, मॉसेस, फॉन्स, सीड प्लांट विथ और विदाउट फ्लावर। एक इसके लिए सीधा डिफिनीशन अगर हम रखें तो वो सब ऑर्गेनिज्म जो कि अपना फूड खुद फॉर्म कर सकते हैं बाय द फोटोसिंथेसिस, उसको इसमें प्लेस किया गया है। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉमन ऑन लैंड और सी सोर और फ्रेश वाटर। जो है जो सीड प्लांट है वो मे बी फाउंड इन एक्वाटिक मीडिया और मे बी फाउंड ऑन टेरेस्ट्रियल मीडिया। द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स आर एज फॉलो, दे आर मोस्टली मल्टी सेलुलर, मोस्टली नहीं, दे आर डेफिनेट मल्टी सेलुलर यूकैरियोट विथ क्लोरोफिल इन द फोटोसिंथेटिक रीजन। द मोस्ट एक्सेप्टेबल डिफिनीशन ऑफ द किंगडम प्लांटी, दे आर कंपोज ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन लाइक स्ट्रक्चर एंड हैव वैस्कुलर टिश्यू एक्सेप्ट एल्गा। वेल डेवलप ऑर्गन सिस्टम है जो कि हमने पहले भी डिफाइन किया था। एल्गा और ब्रायोफाइट्स को अगर छोड़ दिया जाए तो सेल्स जो है वो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है। एक बेसिक आप लोगों ने पिछले ईयर्स में अगर पढ़ा होगा तो बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल इज दैट द प्लांट सेल हैव द रिजिड सेल वॉल कंपोज ऑफ सेलुलोज, जो कि इसमें पाया जाता है, एंड द प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल वैक्यूल और सेंट्रियोल्स इज ऑल्सो डिफिनीशन और डेफिनेट फीचर ऑफ द प्लांट। न्यूट्रिशन इज टिपिकली ऑटोट्रॉपिक, जो कि पहला कंडीशन है किसी भी ऑर्गेनिज्म को किंगडम प्लांटी में प्लेस करने के लिए, कि न्यूट्रिशन जो है वो ऑटोट्रॉपिक इन नेचर होना चाहिए, मींस वो फोटोसिंथेटिक होना चाहिए। ऑटोट्रॉपिक मींस ये नहीं कि वो कीमोसिंथेसिस करेगा तो नहीं, वो अगर कीमोसिंथेसिस करता है तो वो इस ग्रुप में नहीं रह सकता, वो फोटोसिंथेसिस करना चाहिए, वो भी ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करना चाहिए जिसके पास क्लोरोफिल होना चाहिए। पैरासिटिक फॉर्म्स आर हेटरोट्रॉपिक इन नेचर, कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जैसे ड्रोसेरा एंड नेपेंथस, जिसको कि आप लोग वीनस फ्लाई ट्रैप भी बोलते हैं, जो कि पैरासाइट इन नेचर है। फिर भी उन्हें प्लांटी में ही रखा गया है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जो कि सिम्बियोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं, जो एंजियोस्पर्म है जो कि सिम्बियोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेटिंग बैक्टीरिया के साथ, उसको भी हम इसमें प्लांटी में ही प्लेस करेंगे। रिप्रोडक्शन में भी सेक्सुअल और एसेक्सुअल टाइप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर मल्टी सेलुलर इन नेचर। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो मियोसिस इज डेफिनेट अगर माइटोटिक स्पिंडल इज फॉर्म, ये एक एंसेस्ट्रल कैरेक्टर है उसका। इसमें मल्टी सेलुलर इम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट फ्रॉम द जाइगोट। एल्गी एक ऐसा प्लांटी का ग्रुप है जिसमें कि ये नहीं पाया जाता, इम्ब्रियो स्टेज नहीं होता। लाइफ साइकिल कंसिस्ट हैप्लॉयड गैमेटोटाइप, जो कि एक सिंपल रिप्रोडक्शन का मेथड है, हायर
ऑर्गेनिज्म में हैप्लॉयड टाइप ऑफ गैमिट का गैमिट का फॉर्मेशन जब होता है, हैप्लॉयड गैमिट का फॉर्मेशन जब होता है, तो वहाँ पे मियोसिस होता है, उसके फ्यूजन के बाद जो गैमिट का फॉर्मेशन होता है वो डिप्लॉयड इन नेचर होता है, तो वो यहाँ पे भी फॉलो होता है। द प्लांट आर मोस्टली नॉन मोबाइल, ये मूव नहीं कर सकते। ओवरऑल सम बेसिक कैरेक्टर्स आई एम डिस्क्राइब हियर। द ओवरऑल फॉर्म एंड साइज इज जनरली वेरिएबल इन प्लांट, कुछ फिक्स नहीं होता। शेप ऑफ द सर्टेन ऑर्गन भी कुछ फिक्स नहीं है, लाइक लीव फ्लावर एंड फ्रूट आप देखेंगे अगर किसी प्लांट ट्री में देखेंगे तो ये फिक्स नहीं है, ये चेंज होता रहता है अलग अलग स्पीसीज में। मूवमेंट एंड लोकोमोशन नहीं होता यहाँ पे। ग्रोथ इज प्लांट अकर एट द ग्रोइंग पॉइंट ओनली, जो ग्रोइंग पॉइंट होगा उसी में इस पर ग्रो होगा, नहीं तो ग्रोथ भी इसमें, और इसमें ग्रोथ के लिए कोई एज बाउंडेशन नहीं होता। न्यूट्रिशन मोस्टली बाई होलोट्रॉपिक इन नेचर। रेस्पिरेशन के लिए उनके पास स्टोमेटा होता है जिसके थ्रू वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं। फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर उसको यूटिलाइज करते हैं। मोस्टली प्लांट बीइंग पैसिव ऑर्गेनिज्म फ्रॉम लिटल नाइट्रोजनस वेस्ट मैटर, तो ये इनके पास नाइट्रोजन एक्सक्रीशनली जो वेस्ट होता है एक्सक्रीशन का वो लिटल अमाउंट में होता है। एक वहाँ पे भी बेसिक था कि जितने भी प्लांट होते हैं उनके पास जो स्टोरेज फूड मटेरियल होता है वो स्टार्च होता है एज कम्पेयर टू द एनिमल, जहाँ पे स्टोरेज फूड मटेरियल ग्लाइकोजन होता है। दैट्स इट। द नेक्स्ट किंगडम ऑफ द फाइव किंगडम टाइप ऑफ नोमेनक्लेचर इज किंगडम एनिमेलिया और मेटाजोआ। वहाँ पे हमने एक पढ़ा था मल्टी सेलुलर यूकेरियोट प्रोड्यूसर, यूकेरियोट वो प्रोड्यूसर था, यहाँ पे ये कंज्यूमर है। एनिमल एनिमेलिया में जितने भी रखे गए हैं ऑर्गेनिज्म वो जैसे स्पंजेस, कोरल्स, वॉर्म्स, जो इंसेक्ट हैं, जो स्नेल हैं, स्टारफिश, या यहाँ पे भी एक बाउंड्री नहीं है कि ये एक्वाटिक होंगे या टेरेस्ट्रियल होंगे, ये मराइन होंगे या फ्रेश वाटर होंगे। दे आर अ मल्टी सेलुलर यूकेरियोट विदाउट क्लोरोफिल, जो कि सेल एनिमल सेल एंड प्लांट सेल के बीच में एक बेसिक डिफरेंस होता है। मोस्ट एनिमल हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें भी फ्रॉम द लोअर टू हायर हम जैसे जैसे जाते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कॉम्प्लेक्स होता रहता है, कॉम्प्लिकेटेड होता रहता है। अगर हम लोअर का बात करें जैसे कि स्पंजेज हैं उसमें ऑर्गेनाइजेशन सिंपल फॉर्म में होता है, जबकि अगर हम किसी हायर एनिमेलिया के किसी हायर मेंबर को देखें लाइक ह्यूमन बीइंग्स, उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है वो और कॉम्प्लेक्स होता जाता है। द सेल लैक द सेल वॉल, फिर ये एक एनिमल सेल का बेसिक कैरेक्टर जो कि आप लोगों ने लास्ट क्लासेस में पढ़े होंगे, अपने सेंट्रल वैक्यूल्स एंड क्लास्टिड आर कम्प्लीटली एब्सेंट, क्लोरोफिल इज द कम्प्लीटली एब्सेंट। सेंट्रियोल और कुछ स्मॉल वैक्यूल्स पाए जाते हैं एंड द सेल आर हेल्ड टुगेदर इन टिश्यू बाई यूनिक टाइप ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, जिसको टाइट जंक्शन बोलते हैं, गैप जंक्शन बोलते हैं, डेस्मोसोम बोलते हैं, टाइटली अटैच होते हैं इसके सेल्स और टिश्यू एक दूसरे से। इट्स ऑल्सो कैरेक्टर ऑफ एनिमेलिया। फॉर्म एंड साइज आर ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट इन एनिमल एंड एनिमल बॉडी इज मोस्टली सिमेट्रिकल बिकॉज ऑफ इट्स रेगुलर फॉर्म। जितने भी एनिमल हैं अगर कुछ लोअर एनिमेलिया के कुछ लोअर लेवल मेंबर को छोड़ दिया जाए लाइक प्रोटोजोआ जो कि पहले पढ़े हैं कि उसको अब एनिमेलिया के ही एक फाइलम में स्टडी करते हैं, या पोरीफर को भी छोड़ा पोरीफर को इंक्लूड किया जाए अगर, तो जो सिमेट्री है वो सब में बायरेडियल मिलेगी आपको, या लॉन्गिट्यूडनल सिमेट्री भी कहीं कहीं शो हो जाती है। एनिमल कैन ऑफन मूव देयर पार्ट्स रैपिडली क्योंकि उनके पास मसल्स हैं, तो वो ईजली उनके अंदर मोबिलिटी होती है, वो मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ग्रोथ इन द एनिमल टेक्स प्लेस प्रोपोर्शनली इन आल पार्ट ऑफ द बॉडी,
इट इज़ लिमिटेड एंड स्टॉप आफ्टर द साइज फिक्स फ्रॉम द स्पीसीज इज रीच्ड। हर स्पीसीज की एक लिमिटेड साइज होती है, उसके वो जेनेटिक होते हैं कि इस साइज पे फिर उसका ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाएगा और उसको वो फॉलो करता है। न्यूट्रिशन इज मोस्टली होलोट्रॉपिक इन नेचर, सम आर सैप्रोट्रॉप्स एंड इवन सम ऑटोट्रॉप्स जो यूग्लिना है, लेकिन यूग्लिना इज अ एक्सेप्शन। रेस्पिरेशन कॉमनली ये ऑक्सीजन को इंटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, ये कॉमन मोड ऑफ रेस्पिरेशन है जो कि सारे एनिमेलिया में ग्रुप में पाया जाएगा। एनिमल जितने भी इसमें हैं एनिमेलिया में जितने भी हैं जितने मेंबर जो एनिमेलिया में उन्हें एनिमल कहा जाता है, और वो नाइट्रोजनस वेस्ट मैटर को प्रोड्यूस करते हैं जो कि उनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन के थ्रू एलिमिनेट होता है आउटसाइड। रिप्रोडक्शन इज जनरली सेक्सुअलिंग मैटर, गैमीट का फॉर्मेशन होता है, हैप्लॉयड गैमीट का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, और इसके लिए एक स्पेसिफिक मल्टी सेलुलर ऑर्गन कॉल्ड गोनाड, ओवरी एंड टेस्टिस, इन फीमेल इट इज कॉल्ड ओवरी एंड इन मेल इट इज कॉल्ड टेस्टिस। कुछ लोअर फॉर्म्स ऐसे हैं जो ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं, बट फ्यू नंबर, मोस्टली दे शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डेवलपमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना इन विच मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो इज फॉर्म ड्यूरिंग डेवलपमेंट फ्रॉम द जाइगोट। लाइफ साइकिल इज डोमिनेटेड बाय द डिप्लॉयड स्टेज, हैप्लॉयड स्टेज के थ्रू सिर्फ गैमेट का फॉर्मेशन होता है, मियोसिस अकर ओनली इन द गैमेटिक फॉर्मेशन गैमेटोजेनेसिस, व्हेनेवर सिर्फ इसमें माइटोटिक डिवीजन ही होता है, और द लास्ट वन इज द एनिमल स्टोर फूड मटेरियल आज आर ग्लाइकोजन। द लास्ट टॉपिक इज बैक्टीरिया विच आर डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।